Dear students of JKSSB, today we will discuss some expected objectives of the same chapter, the set theory, basic concepts and applications. Is chapter ke kuch expected objectives aaj is lecture mein discuss karne wale hain. Do teen objectives isme discuss kar rahe hain hum. For your examination, JKSSB finance account assistant, उस exam के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, some expected objectives इस lecture में discuss करने वाले हैं. First objective is here, just as if A and B are two disjoint sets. हमारे पास A and B दो sets है, they are disjoint. डिसजॉइंट सेट्स के लिए एक लेक्चर दिया है, वो इस चैनल पे अपलोडेड है, वहां जाके आप इसको थोड़ा देख सकते हैं. देन तब जाके ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, फाइव के बराबर है. सेकंड ऑप्शन है ए यूनियन बी इक्वल टू फाइव, एंड थर्ड ऑप्शन है ए माइनस बी इक्वल टू फाइव, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नॉट नन ऑफ दीज. अब डिसजॉइंट सेट्स का जो अगर हम वेन डायग्राम देखेंगे इस तरह होगा, ये एक सेट होगा, ये दूसरा सेट होगा. क्लियरली ये सभी चाहे यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसके लिए अलग अलग से वीडियोस अपलोडेड हैं इस चैनल पे. डियर स्टूडेंट्स वहां जाके आप इनको देख सकते हैं. यहां पे अगर ये दो सेट्स हैं, इट इज ए बी, क्लियरली यू सी इंटरसेक्शन सेट जो है यहाँ पे वो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं, इनका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है. तब जाके क्लियरली जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इसमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ए यूनियन बी तो एम्प्टी नहीं है, ए में भी एलिमेंट है, बी में भी एलिमेंट है. यहाँ पे ए माइनस बी डिसजॉइंट सेट्स, तब जाके ये पॉसिबिलिटी भी चली जाएगी. एंड नॉट ऑफ दीज ये तो चला गया, बिकॉज वी हैव हियर इंटरसेक्शन बी इज फाइव. चाहे अब ए इटसेल्फ एम्प्टी हो, बी इटसेल्फ एम्प्टी, दोनों अगर एम्प्टी सेट्स होंगे तब जाके इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा, ए यूनियन बी भी एम्प्टी होगा. इफ बोथ सेट्स आर एम्प्टी, ए माइनस बी इज देन एम्प्टी सेट. अगर ए बी एम्प्टी सेट्स होंगे तब जाके वो दोनों तीनों ऑप्शंस तो सही हैं, बट इफ वी हैव नॉन एम्प्टी सेट्स, वी हैव गिवन हियर ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, ये गिवन नहीं है वेदर दे आर एम्प्टी आर नॉन एम्प्टी, बट दे आर डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन सेट ऑलवेज एम्प्टी होता है, चाहे किस कंडीशन में क्यों सेट्स होंगे. दिस मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अब सेकंड पार्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है. क्लियरली व्हेन वी सी दीज आर द लॉज ऑफ सेट्स अंडर द ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उसके लिए भी अलग से वीडियोस अपलोडेड है. अब यहां पे देखना है ये जो फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर हम लेफ्ट साइड को देख लें और लॉ देख लें इसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब जाके लॉ में किसके बराबर आना चाहिए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या होगा. अब बीच में कौन सा ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ही. अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इसके बराबर होगा. यहां अगर एसोसिएटिव लॉ यूज कर लेंगे, इट इज नाउ इक्वल टू यही, ये तब जाके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस तरह होगा. नाउ ना ही ये इस हॉल में है राइट साइड, इट इज ए इंटरसेक्शन बी, सही ये सही है, बट यहां पे यूनियन आया है, विच मीन इट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं है.
नाउ दिस वन, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसने यूज किया है। अब सही क्या है या गलत क्या, अगर यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लेंगे उसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है, लॉज ऑफ सेट्स, ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहां पे अगर हम इसको एलएचएस को मान के चले, राइट साइड जो इसका होगा इट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होगा इसका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन होगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। नाउ सी हियर, यहां पे ए यूनियन बी यूनियन लिया है, यहां पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नाउ सी पार्ट इज देयर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, इट इज ए इंटरसेक्शन बी सही है, फिर यूनियन है ये भी सही है, ए इंटरसेक्शन सी ये भी सही है, इसका मतलब ये जो लॉ इसने दिया इट इज द करेक्ट लॉ, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सेकेंड ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज हियर, विच आर द फॉलोइंग सेट्स इज सेटिस्फाइड है, विच आर द फॉलोइंग सेटिस्फाइड है, क्वेश्चन में हमारे पास सेट्स है, वी हैव टू फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट। अब ऑप्शन पे जाएंगे हम, दिस सेट ए, ए सेट है वन टू थ्री सो ऑन, मालूम नहीं है कहां, क्लियरली इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट वी नो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट फाइनाइट, चला गया फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन तो चला गया, सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड ऑप्शन फिलहाल यही रहे, थर्ड ऑप्शन जो है दिस सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फोर, मल्टीपल्स मीन्स क्या है, फोर इंटू वन, फोर इंटू वन, फोर इंटू टू, फोर इंटू थ्री, दैट इज फोर इंटू नेचुरल नंबर्स बिकम दिस सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फोर, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, देयर फोर मल्टीपल सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फोर इज ऑल्सो इनफाइनाइट, इसका मतलब ये ऑप्शन भी चला गया। नाउ सी सेकेंड ऑप्शन, द सेट बी इज इक्वल टू टू फोर सिक्स अप टू नाइन 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 एट, ये रियल नंबर टू से होके इस रियल नंबर तक इवन नंबर जितने हैं उनका सेट, क्लियरली इफ वी कैन काउंट दीज नंबर्स विच लाइज इन द सेट बी, टू के बाद फोर है, फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद एट, एट के बाद टेन हो गए एंड सो ऑन अप टू लास्ट वन जो है दैट इज नाइन एट नाइन, सॉरी नाइन 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 एट, ये तो काउंट होगा, इस सेट के एलिमेंट्स काउंट होंगे और काउंटिंग कम्स टू एन एंड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, क्लियरली सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह हमने ये कुछ दो तीन ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए इस लेक्चर में, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ और एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।